डेरिवेटिव में कहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे? तो हाँ, बेसिक्स हो गया था, डेरिवेटिव्स में बेसिक हो गया था। और उसके बाद क्या हम लोग पढ़ लिए थे? प्रोडक्ट रूल और क्वेशेंट रूल। क्या जी कृष्णा, कैसे हैं? अभी ठीक हैं? मंजीत एडजस्ट कर गए यहाँ पे? ठीक है, शुरू करते हैं। देखो, आज एक इम्पॉर्टेंट रूल स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है चेन रूल। कौन सा रूल? चेन रूल। ठीक है, तो चेन रूल कैसे होता है वो समझो। जैसे मान लिया जाए, तुमसे पूछ दिया जाए कि साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करो, तो साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करो तो हम लोग अभी क्या बोलते हैं? कॉस एक्स। लेकिन इसको प्रॉपर टाइप बोला जाए तो हम लोग ऐसे बोलेंगे कि साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। साइन एक्स को क्या करो? डिफ्रेंशिएट करो किसके रेस्पेक्ट में? एक्स के रेस्पेक्ट में। मतलब तुमसे अगर ऐसा पूछा जाए कि व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो आंसर इज व्हाट? कॉस एक्स। उसी तरह से पूछ दिया जाए व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, तो आंसर इज व्हाट? कॉस थीटा। अगर तुमसे ये पूछ दिया कि व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, देखो पहले क्या था, साइन एक्स का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में? एस के रिस्पेक्ट में, तो कॉस एक्स हो गया। साइन थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में, कॉस थीटा। अब इधर एक्स है और इधर थीटा है, हो गया प्रॉब्लम। अब तो प्रॉब्लम है, पॉइंट ये है कि अगर इधर एक्स है तो इधर एक्स ही होना चाहिए, थीटा है तो थीटा ही होना चाहिए, हाथी है तो हाथी होना चाहिए। डी साइन हाथी अपॉन डी हाथी इज व्हाट? कॉस हाथी। ठीक है, साकेत कहाँ चले गए थे? क्या ऑटो स्टेशन के धनबाद गए थे? धनबाद गए थे ओ, पीएनसी को जिताने के लिए क्या? नहीं ना, ठीक है, कोई नहीं। तो यहाँ पे साइन साकेत है और नीचे डी हाथी है, अब तो प्रॉब्लम हो गया भाई। डी साइन साकेत रहे और नीचे डी साकेत हो, तब क्या हो जाएगा? कॉस साकेत। तो इस क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ कि डी साइन एक्स और नीचे डी थीटा, तो इसका डेरिवेटिव नहीं बता पाएंगे, तो लकली इसके लिए एक उपाय है। हम लोग ऐसा करेंगे, इसको ऐसा लिखेंगे डी साइन एक्स, और क्योंकि साइन एक्स है तो नीचे लिख दो डी एक्स। ठीक है, अब डी एक्स ज़्यादा लिख दिए हो, डी एक्स था नहीं, था क्या? डी थीटा था, तो कुछ ऐसा कर दो डी एक्स अपॉन डी थीटा, मतलब सॉर्ट ऑफ बोल सकते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिए। लेकिन इसको हम बोलेंगे ये चेन रूल है। ये क्या है? चेन रूल है, ये एक तरह का चेन बन गया। ठीक है, साइन एक्स है तो नीचे एक्स होना चाहिए, तो डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स लिखें इंटू डी एक्स अपॉन डी थीटा लिख दिए। यहाँ डी एक्स एक्स्ट्रा हो गया तो डी एक्स गैप भी हो गया, डी एक्स कैंसिल हो गया। अब साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा? कॉस एक्स। ठीक है, और जो दूसरा चीज़ है डी एक्स बाई डी थीटा, उसको लिख दो, ऐसे ही लिख दो। ठीक है, इसमें तो कुछ और कर नहीं सकते हैं। तो जो हम पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है? चेन रूल। ठीक है, तो चेन रूल में कुछ इस तरह से होता है कि अगर तुमसे पूछा जाए कि डिफ्रेंशिएशन करना है एफ एक्स को विथ रिस्पेक्ट टू टी, ऐसा हो गया, डिफ्रेंशिएशन करना है एफ एक्स को विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो ये तो एफ एक्स के टर्म में लिखा हुआ है और नीचे क्या है? टी है। तो पहले ऐसा करो कि एफ एक्स को एस के साथ डिफ्रेंशिएशन करो, ठीक है, और एस को किसके साथ डिफ्रेंशिएशन करो? टी के साथ। तो एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक्स के साथ क्या होगा? एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि डी एफ एक्स अपॉन डी टी दिया रहे। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, डी एफ एक्स लिख दिए, नीचे डी एक्स लिखें। ठीक है, डी एक्स ज़्यादा हो गया तो डी एक्स लिख दो, और मान लो एक्स टी के टर्म में नहीं है, एक्स किसी यू के टर्म में है, तो डी एक्स बाई डी यू लिख दो, और फिर डी यू बाई डी टी लिख दो, ऐसा भी कह सकते हैं। मतलब जितना बार जरूरत पड़े उतना बार चेन रूल लगा सकते हैं। ठीक है, तो जब हम एग्जाम्पल देंगे तब क्लियर हो जाएगा, लेकिन ऐसा हम लोग कर सकते हैं। ठीक है,
मतलब बोलने का मतलब ये है कि एफ एक्स में एक्स तो एक्स का फंक्शन है और एक्स डायरेक्ट टी का फंक्शन नहीं है, एक्स किसका फंक्शन है, यू का फंक्शन है, तो डी एक्स बाई डी यू लिखो और फिर क्या लिख दो, डी यू एक्स्ट्रा हो गया तो डी यू बाई डी टी, डी टी तो लिखना ही पड़ेगा बाद में, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं और इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, चेन रूल बोलते हैं, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग करते हैं तो पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे सपोज y इक्वल टू साइन t एंड t इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, एंड फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स। तो पहले y है क्या वो लिख दो, y है साइन t और डिफ्रेंशिएट करना है इसको x के साथ, ठीक है। अब लेकिन एक प्रॉब्लम है, इधर t और इधर x है तो हम इसको डायरेक्ट कॉस टी नहीं बोल सकते या कॉस एक्स भी नहीं बोल सकते। तो पहले अगर ऊपर टी है तो नीचे भी टी होना चाहिए, तो क्या लिख दिए, डी साइन टी अपॉन डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इधर साइन टी है तो नीचे भी टी है, साइन टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस टी, और इधर है डी टी अपॉन डी एक्स, डी टी अपॉन डी एक्स तो कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन लकली टी इज एक्स स्क्वेयर, तो टी की जगह पे क्या डाल दो, एक्स स्क्वेयर अपॉन डी एक्स, और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन जानते हो तुम लोग क्या होता है, टू एक्स, तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन इज टू एक्स, तो टू एक्स पहले लिख दिए, तो टू एक्स कॉस टी। अगर पूरे को एक्स के टर्म में लिखना है तो टू एक्स इज टू एक्स कॉस और टी क्या है, एक्स स्क्वेयर, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि डी वाई अपॉन डी एक्स इज टू एक्स इंटू कॉस एक्स स्क्वेयर, कोई दिक्कत इसमें नहीं। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल, वाई इक्वल टू अंडर रूट कॉस एक्स, वाई इक्वल टू अंडर रूट कॉस एक्स, ठीक है, और बताना है डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक। अब प्रॉब्लम है वाई इक्वल टू अंडर रूट कॉस एक्स बोल दिया और बताना है डी वाई अपॉन डी एक्स, सिर्फ कॉस एक्स होता है तो माइनस साइन एक्स हो जाता है, या अंडर रूट एक्स होता है तब क्या होता है, वन बाई टू रूट एक्स होता है। अब इसमें करेंगे क्या, तो सबसे पहले जो मांगा है वो लिख दो, तो डी अंडर रूट कॉस एक्स अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होगा, तो डी वाई अंडर रूट कॉस एक्स अपॉन डी एक्स, ठीक है। अब प्रॉब्लम है कि अंडर रूट कॉस एक्स है ना रूट एक्स है ना सिर्फ कॉस एक्स है, अंडर रूट कॉस एक्स है, बहुत परेशानी है, ठीक है। अगर मान लीजिए ऐसा होता है कि डी रूट एक्स होता विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तब मिलता वन बाई टू रूट एक्स। इसको थोड़ा बढ़िया समझो, रूट एक्स ऊपर है और नीचे भी एक्स है तो वन बाई टू रूट एक्स, अगर ऊपर रूट टी हो जाए और नीचे टी हो जाए तो वन बाई टू रूट टी, अगर ऊपर हो जाए आपका कुछ भी थीटा हो जाए रूट थीटा और नीचे हो जाए थीटा तब क्या होगा, वन बाई टू रूट थीटा, इतना काफ़ी है। फिर भी एक और एग्जाम्पल, अगर ऊपर में रूट हाथी हो जाए और नीचे हाथी तो क्या होगा, वन बाई टू रूट हाथी, ठीक है। अब देखो रूट के अंदर जो है वही नीचे रहना चाहिए तो होगा वन बाई टू रूट जो रूट के अंदर, ठीक है, तो रूट के अंदर कॉस एक्स है, रूट के अंदर क्या है यहाँ पे कॉस एक्स, तो रूट के अंदर कॉस एक्स है तो नीचे कॉस एक्स लिखो, ठीक है, नीचे क्या लिखो, कॉस एक्स, क्योंकि अगर रूट के अंदर एक्स है तो नीचे एक्स है, मतलब रूट के अंदर जो है वही नीचे है, तो रूट के अंदर यहाँ पे क्या है कॉस एक्स, तो कॉस एक्स को ही नीचे लिखे इनटू कॉस एक्स, तो ज़्यादा लिखा गया डी कॉस एक्स ज़्यादा लिखा गया हटाओ और डी एक्स। अब ये किस पे फिट हो रहा है, तो डी रूट एक्स अपॉन डी एक्स पे, ठीक है, तो डी रूट एक्स अपॉन डी एक्स इज वन अपॉन टू रूट एक्स, तो क्या लिखेंगे, वन अपॉन टू रूट कॉस एक्स,
और cos x का डिफरेंशिएशन इधर हो गया, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस sin x. तो फाइनली आंसर हुआ माइनस sin x अपॉन 2 अंडर रूट cos x. तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है. नेक्स्ट एग्जांपल देते हैं. y इक्वल टू 2x प्लस 3 रेज टू द पावर ऑफ 5 एंड यू हैव टू कैलकुलेट dy अपॉन dx, ठीक है. y इक्वल टू 2x प्लस 3 रेज टू द पावर ऑफ 5 और बताना क्या है, dy अपॉन dx, ठीक है. तो देखो ऐसा करो, d है, y क्या है, 2x प्लस 3 रेज टू द पावर ऑफ 5 अपॉन dx, ठीक है. सबसे पहले ये समझना होगा कि इसको हम कौन सा फॉर्म यूज करें. यहाँ पे देखो समथिंग का पावर समथिंग है, बेसिकली वेरिएबल का पावर कांस्टेंट है, और वेरिएबल का पावर कांस्टेंट में एक स्टैंडर्ड फार्मूला था x का पावर n, a का पावर x क्या था, कांस्टेंट का पावर वेरिएबल, और x का पावर n क्या था, वेरिएबल का पावर कांस्टेंट, ठीक है. तो यहाँ पे जो बेस है वो वेरिएबल है, बेस में क्या है 2x प्लस 3 और पावर इज ए कांस्टेंट, तो ये बैठ रहा है x का पावर n पे, ये किस पे फिट हो रहा है, x का पावर n पे. अगर x का पावर n हो तो डिफरेंशिएशन क्या होता है, n इंटू x का पावर n माइनस 1. लेकिन x का पावर n अगर है, dx का पावर n है, तो नीचे क्या होना चाहिए, dx, ठीक है. तो यहाँ पे d 2x प्लस 3 का पावर 5 है, तो नीचे क्या होना चाहिए जी, डी टू एक्स प्लस 3, ठीक है. नीचे डी टू एक्स प्लस 3 होना चाहिए, मतलब जो बेस है वही बेस नीचे होना चाहिए, ठीक है. अगर नहीं क्लियर हो रहा तो ऐसे समझो, डी एक्स रेज टू पावर ऑफ एन अपॉन डी एक्स क्या होता है, एन इंटू एस का पावर एन माइनस 1. तो एस का पावर एन है तो नीचे भी एक्स ही है, तो ये एक्स का रोल कर रहा है 2x प्लस 3, तो 2x प्लस 3 का पावर 5 है, तो नीचे क्या होना चाहिए, 2x प्लस 3 होना चाहिए. लेकिन ये तो ज़्यादा लिखा गया, ये पहले से था नहीं, ठीक है. तो क्या करेंगे हम लोग, d 2x प्लस 3 और डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, डी एक्स लिखेंगे. देखिए तुम इस नहीं, अब आगे बढ़ते हैं. अब ये तो बैठ जा रहा है इसका पावर n पे, s का पावर n होता है n इंटू s का पावर n माइनस 1, n का रोल क्या कर रहा है यहाँ पे, 5, ठीक है. तो n की जगह पे 5 लिख दिए, और x का रोल कर रहा है 2x प्लस 3 का पावर 5 माइनस 1 4 इंटू 2x प्लस 3 में 2x में 2 कांस्टेंट है, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1, तो अल्टीमेटली क्या मिला, 2, और 3 जे कांस्टेंट 0, तो अल्टीमेटली यहाँ से क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, और 2 इंटू 5 10 डायरेक्ट लिख दिए, ठीक है. इसके बाद एक और प्रॉब्लम करते हैं, y इक्वल टू 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस 4 रेज टू द पावर ऑफ 3/2, कैलकुलेट dy अपॉन dx, ठीक है. तो y इक्वल टू दिया हुआ है 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस 4 रेज टू द पावर ऑफ 3/2, और बताना है dy अपॉन dx. तो सबसे पहले देखो y में न्यूमरेटर और डिनोमेटर दिख रहा है, तो न्यूमरेटर और डिनोमेटर दिख गया, मतलब कौन सा रूल लगाना चाहिए, कोएफिशिएंट रूल, ठीक है, मतलब u बाय v वाला फॉर्म, ठीक है. और उसमें भी 2 इज ए कांस्टेंट, तो 2 तो बाहर निकल लो, 2 बाहर निकल गया. अब यहाँ पे ये न्यूमरेटर और डिनोमेटर है, न्यूमरेटर में x है और डिनोमेटर में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 रेज टू द पावर 3/2. तो हम लोग क्या करते हैं इधर, सबसे पहले क्या करते हैं कि डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 का पावर 3/2 का होल स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 का पावर 3, मतलब क्यूब, क्योंकि 3/2 का मतलब इसका होल स्क्वायर करोगे तो 3/2 और 2 में 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 3, तो इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए. न्यूमरेटर में क्या करते हैं कि डिनोमिनेटर को पहले लिख देते हैं,
और डिफ्रेंशिएट करते हैं न्यूमरेटर को, तो टू बाहर निकाल चुके हैं हम, न्यूमरेटर क्या बचा एक्स, तो डी एक्स अपॉन डी एक्स माइनस, माइनस करने के बाद में न्यूमरेटर को पहले लिख देते हैं और डिफ्रेंशिएट किसको करते हैं डिनोमिनेटर को, और डिनोमिनेटर में है एक्स स्क्वायर प्लस फोर का पावर थ्री बाई टू। यहाँ हम लोग कुछ नहीं किए, यहाँ पे क्या लगाए क्वेशेंट रूल लगाए, ठीक है। तो टू तो एकदम बाहर है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। डी एक्स बाई डी एक्स क्या होगा वन होगा, तो इसको हम ऐसे लिखें एक्स स्क्वायर प्लस फोर रेज टू पावर ऑफ थ्री बाई टू डी एक्स बाई डी एक्स वन माइनस एक्स इंटू, इसमें अब प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम है, इसमें क्या करना होगा डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट हो पाएगा नहीं, यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ये पावर थ्री बाई टू, ठीक है। अभी इस तरह का प्रॉब्लम यहाँ पे किए थे, अगर वेरिएबल का पावर कांस्टेंट हो जाए तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा चेन रूल लगाना पड़ेगा, और वो फॉर्म कौन सा होगा एस का पावर एन वाला, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या लगाना पड़ेगा चेन रूल लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो चेन रूल में पहले एक्स स्क्वायर प्लस फोर का पावर थ्री बाई टू को डिफ्रेंशिएशन किसके साथ करेंगे ए स्क्वायर प्लस फोर के साथ इंटू डी एक्स स्क्वायर प्लस फोर अपॉन डी एक्स, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या था एक्स स्क्वायर प्लस फोर का पावर थ्री, अब आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में टू, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस फोर का पावर थ्री बाई टू माइनस एक्स, और इसका फॉर्म है एक्स का पावर एन, तो इसका पावर एन क्या होगा एन इंटू एक्स का पावर एन माइनस वन, एन कितना है थ्री बाई टू, ठीक है। और एक्स का रूल क्या कर रहा है एक्स स्क्वायर प्लस फोर, ठीक है, और एन माइनस वन, तो थ्री बाई टू माइनस वन क्या मिलेगा वन बाई टू एन टू। अब इधर एक्स स्क्वायर प्लस फोर, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा टू एक्स, और फोर इज ए कॉन्स्टेंट डिफरेंशिएशन जीरो, तो उसको नहीं लिखें। और नीचे में एक्स स्क्वायर प्लस फोर का पावर थ्री, यहाँ टू कैंसिल होगा, टू कैंसिल हुआ। एक और चीज देखो, इस वाले और इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस फोर का पावर वन बाई टू, पावर वन बाई टू कॉमन दिख रहा है, उसको बाहर निकाल दो। तो लिख दिए टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर का पावर वन बाई टू। अच्छा, इसमें से एक्स स्क्वायर प्लस फोर का पावर वन बाई टू निकल गया, मतलब बचा क्या टू बाई टू, टू बाई टू मतलब वन, ठीक है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस फोर का पावर वन बच गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस फोर का पावर वन को इसका एक्स स्क्वायर प्लस फोर ही लिखेंगे। इधर साइड में टू टू कैंसिल हो गया, थ्री एक्स एक्स थ्री एक्स स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या था एक्स स्क्वायर प्लस फोर का पावर थ्री, ठीक है। और इधर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स एक्स स्क्वायर कितना मिला माइनस टू एक्स स्क्वायर, और फोर माइनस टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। फोर माइनस टू एक्स स्क्वायर में टू कॉमन निकालो, टू टू जा फोर, एक्स स्क्वायर प्लस फोर का पावर वन बाई टू, अंदर में देखो हम टू कॉमन निकाल चुके हैं, फोर में से टू कॉमन निकल गया टू, और माइनस टू एक्स स्क्वायर में कॉमन टू निकला माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस फोर का पावर थ्री। फिजिक्स में ऐसा बहुत जगह आएगा इस तरह का एक्सप्रेशन, ठीक है। और क्वेश्चन रहेगा कि वाई कहाँ पे मैक्सिमम होगा या वाई कहाँ पे मिनिमम होगा, ये नहीं पूछेगा कि मतलब डिफ्रेंशिएट करो, और मैक्सिमम मिनिमम के लिए हम लोग सीखेंगे कि डिफ्रेंशिएशन ही करना होता है, ठीक है, ये चीज़ हम लोग सीखेंगे आगे। इस स्टेप के बाद में अगर ये स्टेप क्लियर नहीं हो रहा है तो स्टेप बाय स्टेप करो। यहाँ पे क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर, मतलब फोर माइनस टू एक्स स्क्वायर बच रहा है, फोर माइनस टू एक्स स्क्वायर में टू कॉमन निकाल सकते हो, टू कॉमन निकलिए अपने यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है।
मतलब मेरे स्टेप फॉलो करने की जरूरत नहीं है, इधर तो कैलकुलेशन किए ना, मेन डिफरेंशिएशन यहाँ तक हुआ था, इसके बाद ये स्टेप तो कैलकुलेशन वाला है, ठीक है। चलो इसके बाद एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, अपने से आंसर दो जल्दी जल्दी तो कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। सो वाई इक्वल टू ई रेज टू पावर ऑफ साइन एक्स और डी वाई अपॉन डी एक्स बताना है, कोशिश करो हो जाएगा। हिंट यही है यहाँ पे कि e का पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e का पावर x ही होता है, लेकिन किसके साथ, x के साथ। d e का पावर x है तो नीचे क्या होना चाहिए, dx होना चाहिए। तो यहाँ d का पावर साइन x तो नीचे क्या होना चाहिए, साइन x। तो प्रोसीड करो आ जाएगा। कितने लोगों का आंसर आ गया, ठीक वहाँ तो पहले ही आ गया। बताइए शुभम क्या आंसर है, पावर ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इनका पिच मतलब कम है, ठीक है। चलिए कोई नहीं, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बताना है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर ई रेज टू पावर ऑफ एक्स हो तो उसका डिफरेंशिएशन एक्स के साथ क्या होता है, ई रेज टू पावर ऑफ एक्स। तो यहाँ पे ई रेज टू पावर ऑफ साइन एक्स है तो जो पावर है वही नीचे होना चाहिए, क्योंकि जो पावर यहाँ पे है वही नीचे है, इंटू डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स। तो ई रेज टू पावर ऑफ एक्स है तो ई रेज टू पावर ऑफ एक्स ही है एक्स के साथ, तो ई रेज टू पावर ऑफ साइन एक्स है नीचे साइन एक्स है, तो क्या लिखेंगे, ई रेज टू पावर ऑफ साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, कॉस एक्स। तो सिंपल है, ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम अटेम्प्ट करो, ई रेज टू पावर ऑफ अंडर रूट टैन एक्स, e raised to the power of under root tan x, ठीक है। इसमें चेन में तीन लिंक होगा, ठीक है, तीन होगा, दो नहीं होगा। e raised to the power of under root tan x है तो नीचे क्या होना चाहिए, root tan x। e raised to the power पे फोकस करो, पावर क्या है, root tan x, तो नीचे भी root tan x होना चाहिए। तो root tan x है, अब रूट के अंदर टैन एक्स है तो नीचे क्या होना चाहिए, टैन एक्स, और फिर टैन एक्स और नीचे एक्स, ठीक है। इसको ऐसा लिखेंगे, डी ई रेज टू पावर ऑफ अंडर रूट टैन एक्स, तो नीचे क्या होगा, रूट टैन एक्स, मतलब ये क्या जो पावर होता है वही नीचे होना चाहिए। अब डी रूट टैन एक्स, तो रूट के अंदर जो होता है वही नीचे होता है, रूट के अंदर टैन एक्स है तो नीचे क्या होगा, टैन एक्स, लास्ट में डी टैन एक्स तो नीचे क्या होगा, एक्स, ठीक है। अब आराम से हो जाएगा, ई का पावर जो है वही नीचे है तो ई का पावर वही रह जाएगा, मतलब ई का पावर रूट टैन एक्स। रूट के अंदर अगर कुछ आ जाए, मतलब रूट के अंदर एक्स हो जाए तो उसका फॉर्मूला क्या है, वन अपॉन टू रूट एक्स, तो क्या लिखेंगे जी, वन अपॉन टू रूट टेन एक्स, ठीक। सब लोग तेज हो गए, और टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम दिया हुआ है, वाई इक्वल टू थ्री साइन टू टी माइनस फाइव, डी वाई अपॉन डी टी बताना है, ठीक है, अटेम्प्ट करो। हाँ, सिक्स कॉस टू टी माइनस फाइव, देखो अगर साइन हो तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस, लेकिन साइन के अंदर जो है वही नीचे रहना चाहिए, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, साइन, लेकिन कब, साइन के अंदर जो है वही नीचे। तो साइन के अंदर क्या दिख रहा है, टू टी माइनस फाइव, थ्री तो कॉन्स्टेंट है, थ्री बाहर करो, तो डी साइन टू टी माइनस फाइव, और नीचे क्या लिखेंगे, साइन के अंदर जो है टू टी माइनस फाइव, ठीक है, इंटू डी टू टी माइनस फाइव, और टी के साथ डिफरेंशिएशन करना है इस बार, एक्स के साथ नहीं करना है, तो नीचे डी टी, ठीक है। थ्री ये कॉन्स्टेंट, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, तो जो है उसको लिख दो, और टू टी माइनस फाइव है, ठीक है, टू टी माइनस फाइव, तो टू टी माइनस फाइव में टू ये कॉन्स्टेंट, टी का डिफरेंशिएशन टी के साथ वन, तो क्या बचा,
2 और 5 पे जो कांस्टेंट डिफरेंशियल 0 मतलब ओवरऑल 2 बचा और 2 into 3 क्या हो जाएगा 6 तो 6 cos 2t mass 5 ठीक है जैसे अब दिक्कत हो रहा है इस तरह का इक्वेशन बहुत मिलेगा SHM चैप्टर में ठीक है ऐसा ऐसा मिलेगा SHM में ठीक है नेक्स्ट प्रॉब्लम y equal to 2 1 minus e का power minus 2t calculate dy upon dt चलो आराम से सॉल्व करो कितनी का आंसर है क्या मिला जी बताइए minus 4 e का power minus 2t ठीक है तुम्हारा क्या है भाई minus 4 into e का power minus 2t नहीं चलो देखो इसमें है क्या 2 तो एक कांस्टेंट है 2 इंटू कुछ भी है और अंदर में जो है एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल है ठीक है तो अगर इसको डिफरेंशिएशन करना है तो कांस्टेंट को तो पहले बाहर कर देते हैं और लकली जो अंदर में है उसमें एक कांस्टेंट टर्म है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 और माइनस इसको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा तो लिख दिए डी ई का पावर माइनस टू टी लेकिन ई का पावर जो होता है वही नीचे आता है तो डी माइनस टू टी इंटू डी माइनस टू टी अपॉन डी टी क्योंकि डिफरेंशिएशन टी के साथ ही करना है ठीक है तो टू इंटू जीरो ये तो गया टू इंटू माइनस वन मतलब माइनस टू और e का पावर कुछ भी हो तो इसका डिफरेंशिएशन e का पावर वही होता है तो e का पावर माइनस टू टी और फिर इधर माइनस टू टी में माइनस टू इज ए कॉन्स्टेंट और t का डिफरेंशिएशन t के साथ क्या मिलेगा वन तो यहाँ क्या बचा माइनस टू ठीक है माइनस टू इंटू माइनस टू फोर ई का पावर माइनस टू टी ठीक है तो डी वाई बाई डी टी हो गया फोर इंटू ई का पावर माइनस टू टी दिक्कत एक और प्रॉब्लम देते हैं क्लियर हो जाएगा नेक्स्ट प्रॉब्लम y इक्वल टू 4 e का पावर 5t प्लस 1 डी वाई अपॉन डी टी बताना है करो इसको खुद से 20 इंटू ई का पावर 5t आइए आंसर नैन्सी ठीक तो आंसर इज 20 इंटू ई का पावर 5t ठीक है तो 4 इंटू ई का पावर 5t प्लस 1 है डी वाई अपॉन डी टी बताना है ठीक है तो 4 इज ए कॉन्स्टेंट डी ई का पावर 5t तो नीचे क्या लिखेंगे डी 5t फिर डी 5t अपॉन डी टी और 1 तो कॉन्स्टेंट है इसका डिफरेंशिएशन 0 ठीक है तो ई का पावर 5t का डिफरेंशिएशन ई का पावर 5t के साथ क्या होगा ई का पावर 5t इंटू 5t है नीचे t है 5 ये कांस्टेंट t का डिफरेंशिएशन t के साथ 1 5 4 5 गया 20 e का पावर 5t ठीक तो कोई दिक्कत नहीं